तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा हम लोग पुरी में कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या किया और बहुत सारा चीज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने मेरा इस सीरीज के कंप्लीट जर्नी को नहीं देखा है तो मैं उस सीरीज का प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इस कम्प्लीट सीरीज को वॉच कर सकते हैं। आज है उस सीरीज के डे 6। तो शुरू करते हैं पुरी वाले ब्लॉग्स को। तो हम लोग ट्रेन से सफर किए थे पुरी तक का। हमारा ट्रेन था 6:30 AM को और हम पुरी पहुंच गए थे 8 PM को। और ट्रेन से उतरते ही हम लोगों को जोर से भूख लग गया था और हम लोग सबसे पहले नाश्ता किए। नाश्ते में मैंने खाया इडली, बिरी बरा और पुरी। और एक बात नोटिस करने वाली बात है, मैं जिस शहर में हूँ उसको ही मैंने खा गया। तो नाश्ता करने के इमीडिएट बाद हम लोग बढ़े पुरी जगन्नाथ मंदिर के तरफ जगन्नाथ के दर्शन करने। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि ऑटो से सफर कर लें नहीं तो एमओ बस से सफर कर लें, बट यहाँ पुरी में एमओ बस की सर्विस इतनी भी अच्छी नहीं है जैसा कि भुवनेश्वर में है। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग चल चल के ही सफर करेंगे, इस बहाने से हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं पुरी जगन्नाथ टेंपल के पास और मैंने यूट्यूब पर पुरी जगन्नाथ मंदिर के कुछ फैक्ट्स देखे थे और मैंने एक लाइव देख भी लिया। मंदिर के ऊपर जो गोल चक्र है उसको जिस साइड से देखने पर भी आप लोगों को वो हर साइड से राउंड शेप ही दिखेगा। और एक बात है, जो ऊपर मंदिर के फ्लैग्स लगा है वो फ्लैग्स हवा के अपोजिट डायरेक्शन पे ही उड़ता है। तो हम लोग फिलहाल पहुंच गए थे जगन्नाथ मंदिर के बाहर और वहां पे लग रहा था जोरदार भीड़। मंदिर का मेन गेट खोलता है 10:30 AM को। तो आप लोग जब भी जगन्नाथ टेंपल विजिट करने जाएं तो एक बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को 10 बजे से पहले एंट्री ले लेना है मंदिर के अंदर, ताकि आप लोग लाइन में सबसे पहले खड़े होके जगन्नाथ के दर्शन कर सके। और एक बुरी बात भी है विजिटर्स के लिए कि आप लोग मंदिर के अंदर शूज, मोबाइल, अम्ब्रेला, प्लास्टिक बोतल, पान, गुटखा और बाहर का कुछ खाना पीना मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते हैं। और भी कुछ आइटम बैंड है जैसे कि बेल्ट, DSLR कैमरा, लैपटॉप और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब आपको मंदिर के अंदर संपूर्ण रूप से मना है। और बाकी का जो सामान है जैसे कि आपका बैग और क्लोथ्स, वो सब आप दूसरे जगह पे रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लोकल स्टोर भी है, वहाँ पे जो वहाँ के लोकल्स के द्वारा बनाया गया है वहाँ पे आप अपने बाकी सारे सामान को रख सकते हैं। पर इसमें थोड़ा रिस्क है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने दूसरे सामान सब होटल्स में ही छोड़ के आए। फिर हम मंदिर के अंदर गए और दर्शन किए जगन्नाथ प्रभु का और उसके बाद हम चले आए मंदिर के बाहर। बाहर हमने पहले टोकन दिखाया और मोबाइल लाए, उसके बाद जाके हमारे मन को शांति मिला। और लोकल स्टोर से हमारा कपड़ा वाला बैग लेके हम लोग बढ़े सी बीच के तरफ। और प्रभु के घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही हम लोग पहुंच गए थे सी बीच पर। फिलहाल आ गया हूँ पुरी सी बीच और मैं नहाने जा रहा हूँ। ओहो, और जब मैं बीच में वीडियो शूट कर रहा था तो एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि मोबाइल का कार्ड है और मुझे सुनाई दे रहा था कि मोबाइल का कार्ड है अमेरिका। मैंने सोचा मेमोरी कार्ड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि वो मोबाइल के कार्ड के बारे में बात कर रहा था। और वो सबको पता नहीं क्या हुआ था, वो सब हमको बीच में नहीं नहाना है बोले और इधर उधर से घूमते रहे। मेरा एक सजेशन है आप सबके लिए, अगर आप सी बीच पे आप लोग नहाने का मन बना चुके हैं तो पहले आप लोग एक होटल बुक कर लीजिए, क्योंकि समंदर के पानी से नहाने के बाद नॉर्मल पानी से भी नहाना होता है, नहीं तो बॉडी पे स्किन रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं।
और अभी मैं जा रहा हूँ शौचालय की तरफ चल चल के। यार बहुत दूर है यार शौचालय, लगभग 1 किलोमीटर था और अभी मैं पहुँच गया हूँ शौचालय के पास। और यहाँ पे फ्री का शौचालय था तो मत पूछो यार, एक कचरे के ढेर के पास ही मुझे नहाना पड़ गया था। और अभी मैं नहा धो के पूरा बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, शौचालय से बाहर आ गया हूँ। और मुझे सामने दिख रहा था कोकोनट पानी का स्टॉल, हमारे भाषा में इसको पोइडो बोलते हैं, हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो कृपया कमेंट में बता दीजिए मुझको। और अभी मेरे को कोकोनट पानी पी के थोड़ा अच्छा लगा, और मैंने पानी पीने के बाद कोकोनट के मलाई खाने के लिए कोकोनट दे दिया, और वो भाई साहब मेरे को कोकोनट फाड़ के मलाई निकाल के दिए। और मैंने मलाई पहली बार ही खाया था तो अच्छा टेस्ट था मलाई का। मैं तो पानी पी के फेंक देता था नारियल को, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था कि सब कोकोनट छील के मलाई खा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ कैसा टेस्ट है उसका। और कोकोनट पानी पीकर मलाई खाकर मैं निकल गया ऑटो से अपने दोस्त लोगों के पास। मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले, तो मैं फिर एक कोकोनट पानी पिया और मलाई भी खाया। और हम लोग वहां से चले आए रेलवे स्टेशन के रोड तक बस में सफर करके। तो हम लोगों को जोर से भूख लग रहा था, तो मैं और मेरे दोस्त लोग ढूंढ रहे थे एक अच्छा सा होटल, और हमने एक अच्छा सा होटल मिल गया था। मैंने पहले ऑर्डर किया बिरयानी, और मेरे दोस्त लोग मुझको बोले थे तुम पहले बिरयानी ट्राई करो, अगर अच्छा होगा तो हमें ग्रीन सिग्नल दे देना, हम भी ऑर्डर कर लेंगे। तो मैंने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था और सबने ऑर्डर किया था बिरयानी। बिरयानी खाकर हम सब लोग बढ़े फिर से रेलवे स्टेशन की तरफ। और इससे आगे की जो ब्लॉग्स है मेरा सोनपुर रिटर्न का है, और इससे आगे की वीडियोस को दिखाऊंगा मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में सोनपुर रिटर्न में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग्स पसंद आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरे हर एक न्यू ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग।